बाद में मेन पॉइंट नेताजी की थी और हमेशा हमेशा नेताजी की रहेगी। ये हमारी अपने कार्यकर्ता साथी आपसे अपील है और मुझे एहसास है तमाम उपचुनाव झेले देखे मंत्री के लोगों ने, चुनौतियां देखी है भाजपा की बसपा की, इन चुनौतियों को हमेशा मैनपुरी के लोगों ने न केवल स्वीकार किया है बल्कि जितनी चुनौतियां पेश की गई है मैनपुरी के कार्यकर्ताओं के सामने उतनी ही मजबूती के साथ मैनपुरी के लोगों ने नेताजी के सम्मान को बढ़ाया है। और आज जब ये चुनाव सत्य नेताजी के न रहने के बाद हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद के लिए चुनाव हो रहा है, तो मैं समझता हूँ आदरणीय डिंपल यादव जी को इतने ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना कि पूरे देश के लोग देखें कि मैनपुरी के लोगों के दिलों में नेताजी का क्या स्थान रहा है, इस बात के एहसास कराने का ये चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिनके नेतृत्व में जिनके चेहरे में हर व्यक्ति को नेताजी नजर आते हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों ने नारे बनाए गाने बनाए तमाम चीजें बनाई है, तो ये साबित करने का भी चुनाव है कि माननीय नेताजी के रूप में हम लोग भैया अखिलेश यादव को देखते हैं और जितनी ताकत नेताजी को दी उससे और ज्यादा ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने की जरूरत है। मेरे मैनपुरी के लोगों, मैनपुरी के भाई और बुजुर्गों, आज जरूरत है माननीय अखिलेश यादव जी को आपके आशीर्वाद की, नौजवानों आपके सहयोग और समर्थन की। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ ऐतिहासिक वोटों से डिंपल यादव जी को चुनाव जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को जहाँ नेतृत्व को मजबूत करना है वही सदे नेताजी को ऐतिहासिक श्रद्धांजलि देने का काम मेरे मैनपुरी के लोगों आपको करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कल से डिंपल ही डिंपल देखने अखिलेश आदरणीय अध्यक्ष जी, मैनपुरी से लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल जी, माननीय अवेश प्रसाद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी बनी नहीं थी उससे पहले हमारी जो पार्टियां रही थी सबको हमेशा दिखलाया, तो इनकी आशाओं पर अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे हमारे बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी, वादा करो तो ये देखने से धीरे आ रही है बात। देखिए ये सब सामने बैठे हुए हैं, ये बड़े नेता है, इनके पास हर गांव में हर बूथ पे वोट है। आपकी ये ताकत है कि अपने बूथ पे 20 वोट 30 वोट 50 वोट पिछली बार पड़े थे उससे ज्यादा जाल डलवा सकते हैं, लोगों को जो रह गए थे वोट डलवा सकते हैं। और आप जानते हैं कि 20 वोट का हर बूथ पर पड़ जाना क्या असर करेगा, अगर पिछले विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर जितना वोट पड़ा है उससे 20 वोट ज्यादा आपने डाल दिए होते तो राजू एमएलए होते कि नहीं होते, तो एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। हर गांव में 50 वाले बाहर हैं, आप बूथ जिता देते हो लेकिन उन लोगों को लाने की कोशिश नहीं करते हो, अगर वो आ जाएंगे तो 10% 15% वैसे परसेंटेज बढ़ जाए। ये कोशिश कीजिए कि जो आपके लोग बाहर हैं उन सबको बुला लें। और दूसरे कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि ये लोग हमें वोट देते नहीं, सारे लोग आपको वोट देना चाहते हैं, मतदाताओं को अपनी आप अगले पिछड़े दलित इसमें बांटने की कोशिश न करें, कोई हर वर्ग का वोट आपको देना चाहता है, लेकिन अगर आप जाएंगे नहीं उससे वोट मांगने तो हो सकता है खिलाफ भी चला जाए, हो सकता है वोट डालने न जाए। इसलिए आप हर एक आदमी से जाइए, जिसने कभी वोट नहीं दिया वो भी आप कभी कभी वोट देता हमने देखा। इसके नेता मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जीत इतनी बड़ी हो नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में मैनपुरी की जीत को समर्पित कर देना और डिंपल भाभी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, नेताजी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नेताजी नेताजी नेताजी।
दोस्तों इसी क्रम में